हेलो, गुड आफ्टरनून दोस्तों। 13 सितंबर 2019 की प्रीलिम्स एडिटर सीरीज में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की हमारी पहली न्यूज़। पहली जो न्यूज़ आई है यहाँ पे वो आई है MP-ATGM मिसाइल के बारे में। क्या है ये? देखो, MP-ATGM का मतलब है मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। अभी इसका एक्सपेरिमेंट किया गया है तो न्यूज़ में आई है। मैन पोर्टेबल का मतलब ये होता है कि इसको किसी व्हीकल वगैरह की जरूरत नहीं होती। मैं नॉर्मली जो लॉन्चर होता है वो इंसान खुद कैरी कर सकता है और उसके द्वारा इस मिसाइल को लॉन्च वो किया जाता है। आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हो। तो इस तरीके से इसको कहा जाता है मैन पोर्टेबल मिसाइल। देखो, जो मैन पोर्टेबल मिसाइल होती है ना, इनकी ज़्यादा रेंज नहीं होती। नॉर्मली 15, 20, 30, 40 मैक्सिमम इतनी रेंज होती है। मतलब 100-200 गज से आपको एग्जाम में UPSC को स्टेटमेंट में दे दें कि ये जो मैन पोर्टेबल मिसाइल है इसकी रेंज 100 किलोमीटर है, ऐसा नहीं होता। इतनी रेंज नहीं होती क्योंकि छोटी होती है, बहुत बड़ी है होती नहीं है, तो ज़्यादा दूर तक ये नहीं जा सकती। अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि डेवलप किसके द्वारा की गई है। देखो, ये जो मैन पोर्टेबल मिसाइल है ये डेवलप की गई है DRDO के द्वारा। और ये बेसिकली इम्पोर्टेंट बात यह है कि थर्ड जनरेशन की मिसाइल है इंडिया की, जिसका काम क्या है, फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। मतलब टैंक को खत्म करने के लिए, आप समझ सकते हो कि जो टैंक को खत्म करने के लिए मिसाइल छोड़ी जाती है, उस मिसाइल को खत्म करने के लिए काम ये करती है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। आप नाम से ही समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे बात ये आती है कि भाई इंडिया ने कौन कौन सी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है वो बना रखी है। जैसे एक है DRDO एंटी टैंक मिसाइल, एक है यहाँ पे अमोघा मिसाइल, और एक है यहाँ पे नाग मिसाइल, और एक जो अभी आज हमने डिस्कस की है मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। तो ये चार मिसाइल है इंडिया के पास जो कि आपको पता होना चाहिए कि एंटी टैंक है, मतलब टैंक को खत्म करने के लिए मिसाइल है वो यूज की जाती है। ये UPSC आपको पूछ सकती है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है यहाँ पे वो है यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के बारे में, EAEU के बारे में। तो इसके जो कुछ फैक्ट्स हैं उनको हम यहाँ पे एक बार देखते हैं। न्यूज़ क्या है वो देखते हैं। न्यूज़ देखो ये आई है कि इंडिया को जो ये यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन की भी मीटिंग हो रही थी उसमें इंडिया को इन्वाइट किया गया था, बट इंडिया ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। क्यों नहीं किया वो रीजन भी हम देखेंगे, और ये ग्रुप क्या है वो भी हम एक बार फैक्ट यहाँ पे देख लेते हैं। पहली बात तो देखो, नाम पे आप जाइए, यूरेशियन मतलब यूरोप प्लस एशिया, दोनों कॉन्टिनेंट की बात यहाँ पे की जा रही है। इसका मतलब ये होगा कि दो कॉन्टिनेंट की कंट्रीज की मेंबर हैं। इकोनॉमिक यूनियन, जिस देश के यूरोपियन यूनियन है वो एक इकोनॉमिक यूनियन है, उसी तरीके से एक ग्रुप बनाया गया है जिसमें एशिया की, यूरोप की कंट्री है और उन्होंने मिलकर बना रखा है, जिसका नाम है यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन। अब कौन कौन सी कंट्रीज की मेंबर है और इसकी मीटिंग का क्या है वो हम देखते हैं। देखो, पहले तो हम ये देखते हैं कि मीटिंग किसके द्वारा ऑर्गेनाइज की गई थी। ये जो मीटिंग थी वो ऑर्गेनाइज की गई थी SCO, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका इंडिया 2017-18 में मेंबर बन चुका है। ये ध्यान रखना, SCO का मेंबर इंडिया है 2017 और 2018 में, इवन मतलब वहाँ परमानेंट मेंबरशिप मिल गई थी, और इवन पाकिस्तान को भी इसकी मेंबरशिप को मिली हुई है। ये हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट वो देख ली है। इंडिया ने मना क्यों किया? इंडिया ने मना इसलिए किया क्योंकि जो ये यूरोपियन इकोनॉमिक यूनियन की जो मीटिंग हो रही थी ना, चाइना के अंदर एक सिटी है जियान सिटी, वहां पे मीटिंग हो रही थी। और इस मीटिंग का जो मेन फोकस था 99% वो फोकस था कि चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है इसके ऊपर डिस्कशन की जाएगी और इस पर डिलीवरेट है वो की जाएगी, मतलब इस पर बहस चर्चा करनी थी। अब आपको पता है कि इंडिया है वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अगेंस्ट है। क्यों? क्योंकि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक पार्ट है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC, जो कि इंडिया के पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से होकर जाता है। इसीलिए इंडिया के इस चीज़ पे कंसर्न है, और इंडिया कभी भी चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को सपोर्ट नहीं कर सकता। इसकी वजह से इंडिया ने इसको अवॉइड है वो कर दिया, इस मीटिंग में नहीं गए। अब हम यहाँ पे थोड़ा यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन में देखते हैं कौन कौन सी कंट्रीज हैं। देखो, यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन में बेसिकली रसिया, अर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान एंड किर्गिस्तान, ये आपको ध्यान रखना है। बेसिकली 5 कंट्रीज का ग्रुप है वो है, जो कि इसकी मीटिंग इस बार चाइना में आयोजित है वो करवाई जा रही थी। ये ध्यान में आपको रखना है कि मीटिंग कहाँ पे हो रही थी, क्योंकि देखो इंडिया ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन है क्या वो, मैंने आपको बता दिया यहाँ पे कि यूरोप और एशिया की कुछ कंट्रीज हैं उन्होंने मिलकर इकोनॉमिक यूनियन बना रखी है। इस यूनियन का क्या होता है, इसमें आपस में जो कंट्रीज हैं वो फ्री ट्रेड कर सकती हैं, इसी के साथ ही टैक्स वगैरह है वो काफ़ी, मतलब दूसरी कंट्रीज की कोई कंपनी होती है उसके ऊपर टैक्स वगैरह बहुत कम होते हैं, और आपस में एक तरीके से फ्रीली मूव है वो यहाँ पे किया जा सकता है। तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए यूनियन है वो, ग्रुप है वो बनाया गया है। इंडिया ध्यान रखना इसका मेंबर है वो नहीं है, बट मीटिंग में इन्वाइट किया था तो इंडिया ने इसमें मना है वो कर दिया। अब हम चलते हैं आगे, चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव
कि सीन क्या है उसका। देखो चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है ना, ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। और इस प्रोजेक्ट का अगर आपको मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं मोटो, तो इसका मोटो ये है कि चाइना, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे मैप में, इस चाइना को अफ्रीका और यूरोप वाले हिस्से तक कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाना, किस किस मेथड से, चाहे वो यहाँ पे लैंड रूट हो मतलब रोड वगैरह के थ्रू हो, या फिर यहाँ पे से सी रूट हो यानी मेरीटाइम रूट हो, ये इसका मेन मेथड है। अब देखो चाइना यहाँ से मतलब यूरोप तक और अफ्रीका तक कनेक्टिविटी चाहता है, इसलिए क्या है इसने छोटे छोटे इसमें सब प्रोग्राम स्टार्ट कर रखे हैं। जैसे इसकी एक छोटा सा हिस्सा है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का, जिसका नाम है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि यहाँ से लेके, और आपको पता है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से चाइना में कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाते हैं। इसी के साथ ही इसका एक हिस्सा है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का, जिसका नाम आप यहाँ पे ये देख सकते हो, मेरीटाइम रूट आपको दिख रहा होगा ये रहा, और ये हो गया यहाँ पे सिल्क मेरीटाइम रूट। सिल्क मेरीटाइम रूट वो है कि भाई बहुत पुराने टाइम पे जब सिल्क का ट्रेड होता था चाइना से इधर यूरोप की तरफ, तो इस रास्ते से होता था, जो आपको दिख रहा होगा मलक्का स्ट्रेट से होते हुए यहाँ से फिर स्वेज कैनाल से थ्रू कनेक्टिविटी होते हुए इटली के रास्ते से ट्रेड है वो मेनली होता था, तो ये ध्यान रखना। अब आप यहाँ पे एक फैक्ट ये भी पता होना चाहिए कि सिल्क रोड जो इकोनॉमिक बेल्ट है वो कौन सा है, और मेरीटाइम सिल्क रोड कौन सा है। सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट है वो ये है, ये दिख रहा होगा, मतलब सारा जो लैंड रूट है। और आप देखिए हमने क्या डिस्कस किया था अभी, कि भाई साहब यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन की मीटिंग है वो चाइना में हो रही थी। यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन की कंट्री की मेंबर कौन सी है, इधर वाली कंट्रीज हैं, है ना। तो ऑब्वियसली ये जो यहाँ पर चाइना का जो सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट है ना, जो ये रोड वाला रूट दिख रहा है, ये इन्हीं कंट्रीज से होकर गुजर रहा है, इसीलिए चाइना के इंटरेस्ट इनके साथ इन्वॉल्व होते हैं और चाइना उनके साथ बातचीत वगैरह वो कर रहा था। और दूसरा है यहाँ पे मेरीटाइम सिल्क रूट, मेरीटाइम सिल्क रूट ये है आपको दिख रहा होगा इधर पुराने वाला, जो ये रहा स्वेज कैनाल के थ्रू इधर कनेक्टिविटी वाला। तो ये इसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे जो हमने यहाँ पे देख लिया। और रोड पार्ट का मतलब क्या है, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि भाई मेरीटाइम जो रूट है उसको कनेक्टिविटी की बात की जा रही है। ये तो हो गया यहाँ पे यूरोप, ये हो गया आपका यहाँ पे अफ्रीका। तो अफ्रीका और यूरोप तक चाइना अपनी कनेक्टिविटी फैलाने के लिए, ताकि ट्रेड है वो अच्छा उसके। और वैसे बेल्ट एंड रोड जो इनिशिएटिव है वो चाइना का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जो कि काफी लंबा चाइना ने इसमें इन्वेस्ट किया है। और काफी सारी, अगर ये चाइना का प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है, तो चाइना की पहुंच है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी, इवन यूएसए से भी ज्यादा चाइना की एक्सेस है वो ऑल ओवर वर्ल्ड में हो जाएगी। वैसे ये प्रोजेक्ट 2017 में लॉन्च है वो किया गया था। कॉन्टिनेंट ध्यान रखना, एशिया यूरोप और अफ्रीका को आपस में कनेक्ट करने के लिए करोड़ है वो आया हुआ है। कुछ और जैसे आपको बताऊं इसके छोटे छोटे जो और पार्ट्स थे, जैसे ये आपने हम देखा था यहाँ पे जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, जो कि कासगर जो कि बेसिकली चाइना की एक सिटी है, यहाँ से लेके और ग्वादर जो पोर्ट है इस तक कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवा रहे हैं। और ग्वादर के इधर ही एक आप ईरान का पोर्ट है जिसमें इंडिया कनेक्टिविटी कर रहा है, उस पोर्ट का नाम क्या है वो आप बताइए, जिसके थ्रू इंडिया यहाँ पे अफगानिस्तान तक कनेक्टिविटी है, सेंट्रल एशिया तक कनेक्टिविटी लेके जाएगा। तो ये हमने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर देख लिया, ये हमने यहाँ पे जो सिल्क मेरीटाइम रूट था पुराने वाला सी रूट वाला वो हमने यहाँ पे कवर कर लिया है, और ये इधर से हमने जो ऊपर वाला हिस्सा था वो भी हमने कवर कर लिया। इसके साथ ये छोटे छोटे और पार्ट हैं चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के, जैसे कि हिमालय को काट के ट्रांस हिमालय ताकि नेपाल तक कनेक्टिविटी वगैरह के लिए, बट वो इतने इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है 24th वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस। देखो 24वीं वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस है वो बेसिकली आबू धाबी यानी कि दुबई में आयोजित है, वो की जा रही है यूनाइटेड एमिरेट्स अरब में। इसको होस्ट किया जा रहा है किसके द्वारा, मतलब इसको कौन आयोजित कर रहा है, इंपॉर्टेंट बात है, इसको आयोजित किया जा रहा है बेसिकली वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल के द्वारा। ये आपको ध्यान में रखना है कि ये जो कांग्रेस है ये आयोजित की जा रही है वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल। वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल क्या है, वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल है वो यूएन की एक मान्यता प्राप्त ग्लोबल एनर्जी बॉडी है, जो कि 1923 में बनाई थी, मतलब यूएन के द्वारा इसको रिकॉग्नाइज मान्यता दी गई है, यूएन का पार्ट नहीं है ये ध्यान रखना, मान्यता मिली हुई, हाँ उसके साथ मिलकर थोड़ा बहुत काम है वो कर रहा है। काम इसका ये है कि ऑल ओवर वर्ल्ड में एनर्जी की जो सिचुएशन है इसको लेके काम वो करती है, चाहे एनर्जी सप्लाई की बात हो, किस तरीके से चैलेंजेस आने वाले हैं, कैसे हमें निपटना है एनर्जी को, कैसे हमें एफिशिएंट एनर्जी को तौर पे यूज करना चाहिए, कौन कौन सी नई टेक्नोलॉजीज वगैरह, इस तरीके की इसमें बातें हैं वो की जाती हैं। जो ये मीटिंग है कांग्रेस हो रही है अबू धाबी में, इसमें लगभग 90 कंट्रीज के छोटे छोटे एनजीओ वगैरह प्राइवेट ग्रुप्स वगैरह पार्ट हैं, इवन लगभग 3000 के आसपास ऐसे ग्रुप्स वगैरह हैं, एनजीओ गवर्नमेंट्स हैं डिफरेंट कंट्रीज की, एनजीओ वगैरह इसमें मिलकर कॉन्ट्रीब्यूशन आप बोल सकते हो कि ये सेमिनार है या कांग्रेस आयोजित कर रहे हैं। इस बार की थीम इंपॉर्टेंट है वो है एनर्जी फॉर प्रोस्पेरिटी, ये थीम आप ध्यान रखना इसकी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि एनर्जी की डिमांड ऑल ओवर वर्ल्ड में काफी ज्यादा है।
और मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड एनर्जी जो काउंसिल है उसका एक ग्लोबल फ्लेक्सिप इवेंट है, क्योंकि एनर्जी आज के टाइम पे हर एक कंट्री के लिए इम्पोर्टेंट है। डिस्कशन हमने देख ली, और ये जो कांग्रेस है वो हर 3 साल में है वो की जाती है, तो इस बार अबू धाबी में आयोजित है वो की जा रही है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल आया है वो है 6th शेड्यूल को लेके, जो हमारे संविधान की 6ठी अनुसूची है इसके बारे में आर्टिकल है। तो हम देखते हैं इस आर्टिकल में है क्या। पहले तो हम ये देखते हैं कि भाई साहब 6ठी सूची में आता क्या है। देखो 6th जो शेड्यूल है ना, इसमें बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया की बात की गई है। कौन कौन से? 4 हैं नॉर्थ ईस्ट के स्टेट, एक तो आसाम, एक मेघालय, एक त्रिपुरा और एक मिजोरम। यानी कि 6th शेड्यूल ये कहता है कि जो ट्राइबल एरिया जो कि बेसिकली आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में है, उनका किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन करना है, वहां पे प्रशासन कैसे काम करेगा, उसी को लेके 6th शेड्यूल बनाए गए हैं। अब आप कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज आदमी इसमें नहीं होना है कि 5th शेड्यूल क्या है और 6th क्या है। 6th शेड्यूल में सिर्फ इन 4 स्टेट के ट्राइबल एरिया की बात की गई है, और 5th शेड्यूल में ये कहा गया है कि जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो एरिया हैं, जो ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी हैं, जैसे कि राजस्थान के कुछ एरियों में शेड्यूल एरिया हैं, इसी के साथ ही महाराष्ट्र में विदर्भ का एरिया है, इससे अलग अलग स्टेट में छोटे छोटे एरियाज हैं, उनको लेके आया हुआ है 5th शेड्यूल, जबकि कंप्लीट ये जो 4 स्टेट हैं इनके लिए 6th शेड्यूल अलग से बनाया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये जो 6th शेड्यूल है ये आपको बताइए कि संविधान में मतलब काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इन 4 स्टेट के अंदर जो ट्राइबल्स ग्रुप्स हैं उनके बीच में काफी कॉन्फ्लिक्ट होता है, इसीलिए इसको ऐड है वो किया गया है। कंटेक्स्ट क्या है अब हम देखते हैं। न्यूज ये आई है अभी कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब NCST, उन्होंने अभी यूनियन जो होम मिनिस्टर हैं, इसी के साथ ही यूनियन ट्राइबल अफेयर जो मिनिस्टर्स हैं, उनसे रिक्वेस्ट की है कि आप लद्दाख का जो ट्राइब्स है ना उनको 6th शेड्यूल में पुट है वो कर दीजिए, ताकि उनको ऑटोनॉमी मिल सके, ताकि वो अपने शासन को अच्छे से गवर्न कर सकें। क्योंकि अभी आपको पता है कि लद्दाख को यूटी बना दिया गया है, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग, तो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख जो यूटी हैं वो अक्टूबर से एक्टिव फॉर्म में आएंगे। अभी तक तो खैर वो एक स्टेट की तरह काम कर रहे हैं, और उनके लिए आपको पता होगा कि जो लद्दाख एक साइड तो लद्दाख बनाए गए हैं, एक साइड बनाए गए जम्मू एंड कश्मीर यूटी, तो इन दोनों यूटीज को लेके जो भी वहाँ के प्रशासन की बात करो चाहे वहाँ के रिसोर्सेज हैं उनको आपस में डिवाइड करना है। इसके लिए एक कमेटी बनाई गई थी भी, उस कमेटी का नाम आपको बताना है, मतलब लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर में जो रिसोर्सेज हैं इनकी बात कर लो चाहे यहाँ पे जैसे पुलिस वगैरह इनको कैसे डिवाइड करना है, कैसे कहाँ पे ऑफिस वगैरह होना है, इसके लिए कमेटी बनाई है गवर्नमेंट ने। उस कमेटी का नाम आप कमेंट बॉक्स में बताना, गूगल करके देख सकते हो। तो अभी हम देखते हैं कि आगे सीन है क्या, 6th शेड्यूल के सारे क्या क्या फायदे होंगे, ताकि लद्दाख की बातें कह रहे हैं। देखो पहली बात तो यह है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति हैं वो बेसिकली राज्यपाल की हेल्प से जो ट्राइबल्स एरिया हैं उनको गवर्न है वो डायरेक्टली करते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान रखना, 6th शेड्यूल के जो एरियाज हैं मतलब जो डिस्ट्रिक्ट हो गए, जिले, गांव वगैरह, वहां डायरेक्टली कोई भी रूल अप्लीकेबल, डायरेक्टली का मतलब यहाँ पे यह है कि जिससे गवर्नमेंट ने कोई भी कानून बना दिया, चाहे स्टेट गवर्नमेंट ने कोई कानून बनाया हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई भी कानून बना दिया, जो ट्राइबल एरिया ग्रुप एरिया है उन एरियो में डायरेक्टली ये रूल अप्लीकेबल या कानून अप्लाई नहीं होता, पहले उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना होता है, तो मॉडिफिकेशन होता है उसी के बाद वो अप्लीकेबल होते हैं, क्योंकि उनकी ऑटोनॉमी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, चाहे वो रिलीजियस मैटर की वजह से हो या फिर उनकी आइडेंटिटी हो या फिर उनकी लैंग्विस्टिक प्रॉब्लम्स या इश्यूज हो। गवर्नर है उसको एम्पावर किया गया है कि वो ऑर्गेनाइज और रीऑर्गेनाइज कर सकता है ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट को, ये आपको ध्यान में रखना है कि कौन से स्टेट के अंदर कौन कौन से जो ट्राइबल एरिया हैं उनको गवर्न करने के लिए किस तरीके से ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट बनाने हैं वगैरह काम कर सकते हैं। और इसी के साथ ही जो डिफरेंट ट्राइब्स हैं वो एक जैसे ये मान लो कि एक जिले में 8-10 तरह की ट्राइब्स रह रही हैं, तो उनके लिए गवर्नर क्या कर सकता है, जिले के कुछ वही 6-7 टुकड़े 8-10 टुकड़े कर सकता है, ताकि वहाँ पे ऑटोनोमस रीजन क्षेत्र बनाए जा सकें। जैसे मान लो कि एक जिले में 8 ट्राइब्स रह रही हैं, तो गवर्नर क्या कर सकता है, उन 8 जिले को 8 भागों में डिवाइड कर देगा और हर एक एक भाग के लिए ऑटोनोमस रीजन है वो बना देगा, ताकि वो आराम से लड़ाई न करें और अपनी आइडेंटिटी को बना के रख सकें। कंपोजिशन की बात ऐसी है कि हर जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट होता है वो बेसिकली 30 सदस्यों से मिलकर बना होता है, जिसमें से जो 4 मेंबर होते हैं वो तो गवर्नर अपॉइंट करते हैं, और बाकी जो 26 जो मेंबर हो गए उनको इलेक्टेड मतलब चुना है वो जाता है नॉर्मल मेथड के तहत। इनके कार्यकाल की बात करें, जो काउंसिल बनती है ये ऑटोनोमस, इस काउंसिल का कार्यकाल होता है नॉर्मली 5 साल, पर जो गवर्नर ने अपॉइंट किया है ना वो गवर्नर के प्रसाद पर्यंत रहते हैं, मतलब जब मर्जी गवर्नर उनको एक तरीके से हटाए वो सकता है।
और ये ध्यान रखना जितने भी ऑटोनोमस रीजन बनेंगे, जैसे एक जिले में 8 ऑटोनोमस रीजन बने थे तो उनकी सेपरेट रीजनल काउंसिल है वो भी बनाई जा सकती है, ये आप ध्यान रखना। मतलब जितने ऑटोनोमस एरिया बनेंगे उतने ही उनकी रीजनल काउंसिल बना दी जाएंगी, ताकि आपस में कॉन्फ्लिक्ट ना हो, हर की काउंसिल अपने हिसाब से गवर्न है वो कर सके। ये हमने इनका मोटा मोटा कंपोजिशन देखा। आगे देखते हैं इनकी पावर्स क्या है। देखो पावर बहुत इंपॉर्टेंट है। जो काउंसिल निर्माण की जाती है परिषद, इसकी पावर क्या होती है, ये अपने एरिया में एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासन का काम करती है, चाहे वो लैंड की बात हो, चाहे वो फॉरेस्ट हो वहां पे, चाहे वो नहर का पानी हो, चाहे खेती में किस तरीके से यूज करना है पानी को, गांव का प्रशासन कैसे चलेगा, वहां पे प्रॉपर्टी का मालिक कौन होगा, उत्तराधिकारी कौन होगा, विवाह और तलाक संबंधित कानून वगैरह बना सकते हैं अपने वो, या फिर अपनी जो सोशल जो कल्चर है, रिवाज वगैरह हैं, उन मामलों में वो अपने अकॉर्डिंग कानून बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो कानून है वो उन पे थोप देंगे, नहीं, वो अपने जो लोकल रूल्स हैं उनको फॉलो कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है, ये सब करने के लिए राज्यपाल की परमिशन जरूरी होती है। जब तक राज्यपाल परमिशन नहीं देंगे तब तक वो ऐसा कुछ नहीं कर सकते। इसी के साथ ही जो विलेज काउंसिल यानी कि जो ग्राम सभाएं होती हैं, उनका काम क्या होता है, कोई भी जो ट्राइब्स हैं उनके बीच में लड़ाई वगैरह हो गई तो उनका आपस में अदालत के थ्रू मामला सेटलमेंट करना ग्राम परिषदों की अदालतों को काम किया जाता है। इसी के साथ ही गवर्नर है, उसके पास एक पावर ये होती है कि वो एक कमीशन को अपॉइंट कर सकता है ताकि वो एग्जामिन कर सके और रिपोर्ट दें इस मैटर पे कि भाई वहाँ का प्रशासन कैसे काम कर रहा है। ये उन गवर्नर वहाँ के जैसे कि सीएम वगैरह उस स्टेट के, उनसे डायरेक्टली बोल सकता है कि भाई आप हमें रिपोर्ट दीजिए कि आपने इस एरिया के लिए कैसा काम किया है, कैसे आपने उनको ऑटोनॉमी दी है, किस तरीके से इनके राइट्स वगैरह को लेके, तो वो सारी काम वो की जाती हैं। तो ये था कंप्लीट आर्टिकल। अब देखते हैं आज के कुछ क्वेश्चंस। पहला जो क्वेश्चन आपके लिए वो है ड्रैगन फ्लाई को लेके हैं कि ड्रैगन फ्लाई न्यूज में थी किससे रिलेटेड है। पहला ऑप्शन आपके सामने दिया गया है ए पेस्ट दैट इफेक्ट वेट क्रॉप, मतलब एक गेहूं की फसल को खराब करने वाला एक कीड़ा। दूसरा ऑप्शन आपके सामने है अनमैन्ड न्यूक्लियर पावर ड्रोन कि एक मानव रहित न्यूक्लियर पावर का ड्रोन है। तीसरा ऑप्शन आपके सामने कि एक कंप्यूटर मालवेयर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके सामने वो है यहाँ पे प्लान बी को लेके कि प्लान बी न्यूज में था आजकल किससे रिलेटेड है। तो इसमें आपको दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला ये है कि एक इनिशिएटिव है जो कि बी कीपिंग को हिमाचल प्रदेश में प्रमोट करता है, यानी कि मधुमक्खी पालन को ऊपर या उसको प्रमोट करने के लिए हिमाचल प्रदेश का एक इनिशिएटिव है। नेक्स्ट ये है कि रेलवे का एक प्रोग्राम है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो ये थी आज की हमारी डिस्कशन। तो फिलहाल के डिस्कशन में इतना ही है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।